नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ समस्त देश की महिलाओं का बड़े कई विश्व की महिलाओं को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं नारी खुद में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है ज़रूरत है उसे पहचानने की और वो ताकत हमें पहचाननी जरूर चाहिए और कहते हैं कि अभी तक हम इक्कीसवीं सदी को पार करने वाले हैं पर नारी अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है एम्पावर नहीं है कमियाँ कहाँ पर है बात कड़वी है पर है सच्ची जब तक नारी नारी का साथ नहीं देगी तो पूरी तरह से सक्षम कहा हो पाएगी और उसी जहाँ पर ये कहा जाता है पुरुष प्रधान समाज है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है आज के दौर में पुरुष ही महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं सम्मान दे रहे हैं इस समय हमारे पीछे जो टीम है आप देख रहे हैं होशियार सिंह जी हैं ये टैक्स दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मान दिया है पर सवाल बड़ा ये है वही बड़ा सवाल रहेगा जब तक महिला महिला को एम्पावर नहीं कर पाएगी उन्हें सक्षम नहीं कर पाएगी पूरी तरह से देश की समाज की महिलाएं सक्षम नहीं होंगी क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि एक महिला को बर्बादी का कारण जो है महिला ही होती है तो इन चीज़ों को समझना होगा इन समाज की त्रुटियों को हमें खत्म करना होगा जब तक हम एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद नहीं करेंगे तो कहीं भी हम पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाएंगे चलिए इस समय होशियार सर है इनसे जानने का प्रयास करेंगे होशियार सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया अब हर साल पिछले साल भी और आज की भी बात करें आप और आपकी टीम ने हमें सम्मान दिया आपका तह दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आप समाज के उसी हिस्से में से वर्ग में से निकल कर महिलाओं का सम्मान करते आदर करते हैं और उनका मनोबल बनाते हैं क्या कहेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं अपनी जो हमारी अपनी टीम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम मैं जितनी हमारी मातृशक्ति है तो आज के उनको मुबारकबाद देता हूँ और जिस तरह से आपको पता है कि आज आज के दौर जो आज का जो समाज है उसमें मातृशक्ति ने हर जगह अपना नाम कमाया है चाहे वो कोई भी फील्ड हो तो जिस तरह से हर जगह अगर अगर हमारी मातृशक्ति हर जगह अपना नाम कमाया हुआ है और हर साल हमारी कोशिश रहती है कि जो जो हमारी मातृशक्ति है वो किसी भी फील्ड में हो चाहे वो मीडिया लाइन में हो चाहे एजुकेशन लाइन में हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो चाहे और भी जो लाइन में है उनका मनोबल बढ़ाया जाए क्योंकि महिला जो होती है महिला एक <VO2> रीढ़ की हड्डी होती है चाहे वो घर की बात हो चाहे हमारी बहन हो माता हो पत्नी के रूप में हो महिला एक रीढ़ की होती 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 है और हमारी हमारी आर्मिशी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमने आज वो ये वूमेंट इसको मनाना है इसमें जो हमारी महिलाएँ हैं उनको उनको सम्मान देना है क्योंकि महिला आज के दौर में हर फील्ड में अपना नाम कमा रही है और हम आज के दिन यही बोलेंगे कि हम अपनी टीम की तरफ से कि इसी तरह वो बढ़ चढ़ के अपने काम करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें पूरे देश में धन्यवाद राष्ट्रीय डीर एसोसिएशन के प्रधान भी है सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन खास करके उन माता पिता को कि जो आज भी सोचते हैं कि नहीं बच्चियां बाहर आगे बढ़ने नहीं चाहिए समाज क्या, क्या कहेगा क्योंकि शुरू से हम बच्चों के मन में डर डाल देते हैं कि पूरी तरह से विस्तार नहीं हो पाता बच्चियों का उस डर से वो निकल नहीं पाती हैं समाज क्या कहेगा ये डर नहीं पहले तो मैम मैडम रश्मि शर्मा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैम आज तो जो हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे की तरफ़ से और आज वूमेन डेज के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में लड़कियाँ जो हैं सबसे आगे हैं और आगे बढ़ के काम करी हैं आज के टाइम में लड़कियाँ के एस आई एस पुलिस में आर्मी में घर के लिए मैं कि हर टाइम कंधे से कंधा मिला के मैं तो चाहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चियों को बच्चियों को जो मैं कि शिक्षा से वंचित रख रहे हैं उनको वो मैं कि अपने बच्चों को बच्चियों को मैं कि आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज के टाइम में कोई फर्क नहीं है लड़के लड़कियों का क्योंकि जो लड़कियां हैं आज जो हमारी देश की शोभा हैं और आज हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश में आज जो महिलाएँ हैं उनका आज डे है और बड़ा चढ़ के मैं कि उनको सम्मानित करना चाहिए जैसे मैडम रश्मि जी हैं मैडम शीतल वर्मा जी हैं हमने देखा कि ये ये जो है हर हर दिन आगे ही हैं मीडिया के रूप में भी आगे हैं हर एक में कि प्लेटफार्म में भी आगे हैं और ये मैं कहना चाहता हूं कि आज कल का जे, मैं की, आज के डे जो डोडा में हमने देखा कि एक ही घर में दो बच्चियां और एक मैं कि लड़काई की घर लड़का, से इसका जाम उन्होंने क्लियर किया है तो ये एक हमारे जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रच गया है क्यों कोई भी मैं कि लड़की है लड़का है मैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ और मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी एन की तरफ से भी हमारे ठाकुर होशियार सिंह जी हैं जो हमारे यूटी प्रेजिडेंट हैं हमारे स्पोक्स पर्सन यूटी के अपने रणधीर सिंह सलाथिया जी हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे सतीश पुंछी जी हैं चरनी सभा राजपूत के, के सभा के भी हैं हमारे अमित चंद जी हैं सेक्रेटरी हैं तो हमारा जो काम है हमारा काम है कि हमारा लोगों की आवाज़ को आगे बुलंद करना तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज आज जो टाइम है वो महिला को पीछे रखने का नहीं बच्चियों को पीछे रखने का नहीं बच्चियों को आगे करो ताकि उनका जो भविष्य है उज्ज्वल हो सके और उनको आगे बढ़ाया जाए थैंक <laughs> यू सर आपका नाम सर से जानना चाहेंगे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि बार बार यही कहते हैं कि महिलाओं को अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए सर आपका नाम जान मैं चीफ स्पोक्स पर्सन जे एंड के रणधीर सिंह सलाथिया मैं सबसे पहले रश्मि मैम आपको ही मुबारक देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जो एग्जांपल वो आपने सेट की है आपकी बच्ची जो है वो सबसे पहले वो आर्मी में है हमारे अपने इंस्टीट्यूशन से वो बच्ची गई है तो हमें बड़ा फख्र महसूस होता है और आप उस लाइन में आप मीडिया में हैं जो छोटी सी छोटी बात को जागृत करते हैं लोगों तक पहुंचाते हैं और ये एक ऐसा माध्यम है जहां अक्सर मीडिया में लोग आ तो जाते हैं लेकिन कुछ उनकी ऐसी बातें होती हैं जिनको वो जागृत नहीं कर पाते क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी दिवाव में किसी प्रेशर में आकर लेकिन मैं जब भी आपके लिए सुनता हूँ आप बेश बिल, बिल्कुल बोल्ड तरीके से बखान करते हैं तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आपने सेट की है बाकी इस ये जो ह्यूमन राइट्स जो हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी मैं बड़ी मुबारकबाद देता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं कि हर हमारी हिंदुस्तान नहीं पूरे हमारे संसार जितने हमारा वर्ल्ड है उनकी महिलाओं को उजागृत कर रहे हैं ये अवेयर करना चाहते हैं कि घरों से चूल्हा चौका छोड़कर हमारी बच्ची हमारी माताएं बाहर निकलें और उन मसला मसाइल को हल करें जो कि हमारी ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी जो अक्सर यह समझती थी कि आज जो हमारी जो औरत है वो खाली महफूज एक चूल्हा चौका तक रह गई है तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो जो हमारी मीडिया कर्मी हैं उनको आज पुरस्कार दिया है जिसमें आप उल्लेखनीय हैं हमारी रश्मि जी और दूसरा हमारी शीतल वर्मा जी इन दोनों को हमारी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इसने जो सिलीगुड़ी के हमारे सेंटर अध्यक्ष हैं उन्होंने होशियार सिंह जी की कंसल्टन से उनको यहाँ चुना और ये आप बड़ा उल्लेखनीय बात है कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं कोई तो खाला जी का घर नहीं है इसमें काम करना बड़ा आपको हजार तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हम तो आए हमने आज वाइट दी बात खत्म होगी लेकिन नहीं आप हर एक चीज को और कहीं कहीं धूप है कहीं छाए हैं कहीं आपको अपने आप को बचा कर कभी रात को निकलना पड़ता है तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारी हर उस बच्ची के लिए जो ये आपको देखकर अपना एक रोल मॉडल बनाए कि अगर ये ये एक लेडी होते हुए अगर यहां पे निकल सकती है तो हम क्यों नहीं तो हमारी सारी वो बच्चियां जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो चाहे वो आर्मी का हो वो तो मैंने पहले बोल दिया जो आपने एग्जाम्पल सेट किया अपने घर से अपनी बच्ची को आर्मी में अफसर बनाकर तो दूसरे जो हमारी पुलिस बच्ची हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस बड़े, बहुत बड़े दिन पे शुक्रिया धन्यवाद औरत हारती नहीं उसे हराया जाता है औरार्थी नहीं उसे हराया जाता है समाज क्या कहेगा यह समझा कर उसे बचपन से ही डराया जाता है इस सारी चीजों से हमें बाहर निकलना होगा अपनी बच्चियों को सक्षम करना होगा एम्पावर करना होगा और सबसे बड़ा दायित्व तो आप पर है और हम पर है परम कीजिए आज इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने एक साथी को जरूर आप सक्षम करेंगे आने वाले समय में कहते हैं एक और एक ग्यारह होता है देखिए किस तरह से पूरी तरह से पूरे देश भर के पूरी विश्व की महिलाएं सक्षम होती है हम धन्यवाद करते हैं ह्यूमन राइट्स की इस पूरी टीम का जिन्होंने आज के दिन यहाँ पर हमारा मनोबल बढ़ाया अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए जय हिंद भारत